तो दोस्तों इस वीडियो में बनाने वाले हम एक इन्वर्टर जो आपका 2N3055 जो ट्रांजिस्टर होता है उसका हम यूज करने वाले हैं, जिसमें हम दो ट्रांजिस्टर लगाएंगे और जो आईसी है हमारी 4047 आईसी लगाने वाले हैं। और हमारे भाई है, उन्होंने कमेंट भी किया था उधर, तो चलिए बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो सी लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, तो आ जाइए, तो चलिए बनाते हैं 4047 का आईसी और जो ट्रांजिस्टर है 2N3055। तो बनाते हैं चलिए इन्वर्टर। तो ये देख लीजिए मेरे पास 2N3055 ट्रांजिस्टर, मैं इसमें दो ट्रांजिस्टर यूज करने वाला हूँ और एक है मेरे पास 4047 आईसी। तो चलिए बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो कर ही दीजिए भाई। तो सबसे पहले मैं जो आईसी का सर्किट डायग्राम है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप चेक कर लीजिए। तो ये मेरे पास 104 का पॉलिस्टर कैपेसिटर, तो आपको इसको जो आईसी की एक नंबर पिन है उसके साथ कनेक्ट करना है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। और ये मेरे पास 33K का रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस लगाने हैं आपको इसकी दूसरी नंबर पिन से, और कनेक्ट करना है आपको कैपेसिटर से विद तीसरी नंबर पिन से, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इन्वर्टर आपके लिए काफ़ी सरल होने वाला है, इसमें ना ही मैं कुछ ज़्यादा जो कंपोनेंट नहीं लगाने वाला हूँ, और आपको जो आईसी की 4, 5, 6 और जो 16 नंबर पिन है उसको कनेक्ट करना है एक साथ, जो आपका प्लस वोल्ट के लिए रहता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो अब बारी है जो इसमें 7 नंबर पिन है, जो 8 नंबर और जो 9 नंबर पिन और जो ये आपका 12 नंबर पिन है, इसको आपस में आपको कनेक्ट करना है, जो आपका वोल्टेज ग्राउंड के लिए रहेगा, जो इनपुट जो आपका माइनस वाला जो तार होता है उसमें आपको कनेक्ट करेंगे। तो अब हमें चाहिए दो ट्रांजिस्टर लेने हैं, तो ये मेरे पास BC548 ट्रांजिस्टर है, ये देख सकते हैं आप, और ये मेरे पास 470 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं। तो चलिए मैं इनको लगा लेता हूँ, जो इनकी 10 और जो 11 नंबर पिन है उसके साथ लगाना है आपको। तो ये देखिए, चलिए मैं लगा लेता हूँ, ये देखिए मैंने लगा लिए। तो ये मेरे पास ट्रांजिस्टर हैं BC548। तो जो इनका जो बेस पिन है उसके साथ कनेक्ट करना है आपको रेजिस्टेंस को, ये देखिए जो इनकी ट्रांजिस्टर की बेस पिन है BC548 की, उसके साथ कनेक्ट करना है, इस प्रकार से ये मैंने कनेक्ट कर लिए हैं। तो अब आपको लेने हैं दो ट्रांजिस्टर 2N3055, तो चलिए इनको भी लगाते हैं। तो दोस्तों, तो जो BC548 का एमीटर पिन है उसको आपको 2N3055 की जो उसका जो बेस पिन है उसके साथ कनेक्ट करना है, ये देखिए इस प्रकार से दोनों को आपको इसी प्रकार से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और जो 2N3055 का जो आपका कलेक्टर पिन होता है दोनों आईसीयू में 2N3055 में, उसको आपको BC548 के जो कलेक्टर पिन है उसी के साथ कनेक्ट करना है, ये देखिए मैंने कनेक्ट कर लिए। वैसे आप इसमें BC547 आधा आईसी भी ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं आप। तो ये देखिए कनेक्ट कर लिए। तो अब आ रही है जो 2N3055 में मॉस वो ट्रांजिस्टर हैं उनका एमीटर को दोनों में कनेक्ट कर लीजिए, और आईसी जो आप तो कनेक्ट कर लीजिए जो आईसी 7, 8, 9, 12 नंबर जो ग्राउंड होता है आपका, और जो ट्रांजिस्टर हैं सबको इस प्रकार से कनेक्ट कर लीजिए। तो ये मैंने कनेक्ट कर लिए हैं, तो ये देख लीजिए, ये मैंने ट्रांसफार्मर भी लगा लिया है, ये आपके 2N3055 जो कलेक्टर पिन है उसके साथ कनेक्ट किए हैं ट्रांसफार्मर को,
और ये मैंने लगाया इसमें 1N4007 का डायोड, जो आपका प्लस वोल्ट से ट्रांसफार्मर की जो 120 जो वाली की बाइंडिंग होती है उस प्रकार से लगाना है। ये देखिए, तो ये सर्किट आपका पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी है इसे चेक करने की, तो चलिए मैं इससे कुछ चेक करता हूँ। तो ये मेरे पास 9 वाट का देखिए एलईडी बल्ब है, तो मैं इससे सबसे पहले ये चेक करने वाला हूँ। तो चलिए चेक करता हूँ मैं। दोस्तों इसका आउटपुट मैक्सिमम 50 वाट तक ही रहेगा। तो दोस्तों इसका जो मैक्सिमम आउटपुट है 50 वाट तक ही रहेगा। इसका मैं एक और इन्वर्टर बनाऊंगा पार्ट टू में, जिसको मैं और हैवी बनाने वाला हूँ इन्वर्टर को 2 या 3 या 55 ट्रांजिस्टर से। तो चलिए मैं इसे फ़ोन चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मेरे पास स्मार्टफोन है, तो ये देखिए चार्ज भी हो रहा है और मॉस्फेट जो ट्रांजिस्टर है ब्रोकली भी गर्म नहीं हो रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए। थैंक्स।